नमस्कार, और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पेज, और मैं आपके साथ कुलदीप। और मैं इस समय खड़ा हूँ रमेश यादव, जो सीआरपीएफ में शहीद हो गए थे, और उनके गांव में हम तोफापुर पे आए हैं। और आपको बता दें कि इस गांव में वन विभाग ने दोनों तरफ पेड़ लगवाए हैं, और उसको जाली से अच्छे से मढ़ कर उस पर शहीदों का प्रतिमा लगाया हुआ है। आइए हम चलते हैं सीधे उनके घर पर और देखते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। वैसे तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि 2019 14 फरवरी पुलवामा अटैक में शहीद हुए रमेश यादव को बनारस के पूरे ज़िले के लोग उनको देखने के लिए आए थे। देखने के नहीं, हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उनके जनाजे में लोग आए थे। और आपको बता दें कि हम उनके घर पहुंचने वाले हैं, कुछ देर में हम लोग पहुँच जाएँगे। और रुकला तो वही है, घर है रमेश यादव का। आप देख रहे हैं कि रमेश यादव की प्रतिमा यहाँ पे रखी गई है, और इस गांव के सारे लोग आते हैं और रमेश यादव को अपना आइडियल मान चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि कल 14 फरवरी है, और गांव के सारे लोग वर्षी मनाने के लिए अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जगह जगह पर पोस्टर भी रमेश यादव के लगाए गए हैं। रमेश का मैं पिताजी हूँ। रमेश जी, साल भर पूरा हो रहा है, जी शहादत दिए रमेश जी को, जी जो वादे किए गए थे, जो बातें कही गई थी, क्या कुछ पूरी हुई है? हमारी सरकार जो वादा किया, हमारे बाहू के ओ जो है नौकरी दिया, हमारी बहू जो है नौकरी कर रही है, लेकिन माता पिता के लिए सरकार कुछ भी नहीं, उनको तो एक सहायता के लिए कि बहू की जो है उन हमारा बेटा जो देश के लिए शहीद हो गया, तो हमारी जो सरकार दिया है तब बहू की उसी का सहारा है। लेकिन माँ बाप के लिए कोई सरकार आज तक कोई सहायता नहीं दिया। उस समय तमाम नेता, तमाम सारे लोग आते थे, पूरा साल भर बीतने पर कोई मिलने उन्ने आ? कोई आज तक एक बरस हो गया, साल भर हो गया, कोई भी हमारे नेता लोग आए नहीं। जो हमारे गांव की, हमारे देश का जो नेता है अनिल राजभर, और जो महेंद्र सांसद मंत्री जी है, वो भी आज तक हमारे दरवाजे पर दिखाई नहीं आती कि रमेश की पिताजी मर रहे हैं कि जिंदा हैं। बाबू, आज तक इतनी एक बरस का दिन हुआ, क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे? हमको यही है मांग कि हमारे लड़का के नाम से रोड बनना चाहिए, उसके बाद उनकी मूर्ति कहीं बनाना चाहिए गोलम्बर में लगाए हैं। ऐसे में कोई है नहीं, जो उनकी पत्नी है वो अपने ड्यूटी पे गई हैं, और उनके पिताजी जो हैं इसी कारण से वो दिल्ली गए हुए हैं। तो हम परिवार से तो इस समय बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि बात हो उनसे। तो आप देखते रहिए रिपोर्टर्स पेस। नमस्कार।